यहाँ उपस्थित मेरे मित्र माननीय सांसद आलोक जी, अनिल स्वरूप जी, मनीष गर्ग जी, सेनापति जी, एनसीईआरटी के दूसरे अधिकारीगण, विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी अधिकारीगण, एनसीईआरटी के दूसरे सदस्यगण और देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए प्यारे बच्चों, मैं सिर्फ आप सभी को शुभकामना देने आया हूं। जब इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिल्ली में मुझको दिया जा रहा था तो मैंने जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या कार्यक्रम है। कला उत्सव का आयोजन हर साल होता है पिछले कुछ वर्षों से। मुझसे कहा गया कि वहां चलकर देश भर से जो बच्चे आएंगे उनका हौसला बढ़ाना है, लेकिन यहां आने के बाद मुझको लग रहा है कि मैं आपका हौसला बढ़ाने नहीं आया बल्कि आपको देखकर मेरा हौसला बढ़ गया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। देश भर से लगभग 1100 बच्चे यहां आए हैं, यही है ना। सब बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं कई बार कहता हूं, जब हिंदुस्तान का दर्शन करना हो तो हमारे विभाग के किसी कार्यक्रम में शामिल हो जाइए जिस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चे शामिल हो रहे हों। आज वाकई यहां आकर पूरे हिंदुस्तान का दर्शन हो रहा है। तमिलनाडु के बच्चे जम्मू कश्मीर की कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे तमिलनाडु की कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए बच्चे अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन यहां कर रहे हैं। देश के दूसरा हिस्सा में दूसरे राज्यों में जो कलाएं वहां हैं उनके बारे में सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और न सिर्फ सीख रहे हैं जान रहे हैं बल्कि उसमें एक प्रतियोगी के रूप में भाग लेकर उत्कृष्टता भी प्राप्त कर रहे हैं। हमारा देश इसी विशेषता के कारण जाना जाता है। अनेक तरह की विभिन्नताएं हैं हमारे देश में, लेकिन उन विभिन्नताओं के बीच भी हर हिंदुस्तानवासी के दिल में धड़कने वाला हिंदुस्तान का धड़कन है और एक स्वर में आवाज निकलने वाला धड़कन है। यही हमारे देश की विशेषता है। असम के बच्चे आए, उन्होंने असम का रंग बिखेरा। जम्मू कश्मीर के बच्चे ने जम्मू कश्मीर का रंग बिखेरा। नॉर्थ ईस्ट के बच्चों ने नॉर्थ ईस्ट का रंग बिखेरा। मध्य प्रदेश के बच्चों ने मध्य प्रदेश का रंग बिखेरा। और तमाम रंग मिलकर यहां इंद्रधनुषी रंग उस रूप में परिणत हुआ। यही हमारे देश की विशेषता है और इन्हीं विशेषताओं को हम जितना पोषण देंगे, जितना आगे बढ़ाएंगे, हमारे देश की श्रेष्ठता उसी में और अधिक आगे बढ़ेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी
कि इच्छा है, हम सबकी इच्छा है, तमाम देशवासियों की इच्छा है कि हिंदुस्तान फिर से पूरी दुनिया में जिस तरह से कभी अपनी श्रेष्ठताओं के कारण जाना जाता था, फिर से पूरी दुनिया में उसी स्थान पर हिंदुस्तान पहुंच पाए। मेरा पूरा पूरा भरोसा है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, इन्हीं बच्चों के प्रयासों से आगे आने वाले दिनों में हिंदुस्तान उस श्रेष्ठता को फिर से प्राप्त कर पाएगा। आपके बीच आकर हम सबके मन की जो इच्छा है, उस इच्छा को हम पूरा कर पाएंगे, ऐसा विश्वास हमारा होता है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और अधिक तेज गति से आगे बढ़िए, जीवन के हर क्षेत्र में आप सभी को सफलता मिले और आपकी सफलताओं के बल पे हिंदुस्तान फिर से दुनिया में उसी स्तर पर पहुंच पाए। इसी कामना के साथ, इसी शुभकामना के साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत फिर से बधाई देता हूं। और आयोजक टीम में जो यहाँ के स्थानीय भी इस इंस्टीट्यूट के और दूसरे अधिकारी पदाधिकारी लोग शामिल हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और आगे आने वाले समय में बच्चों के बीच आने का बार बार मुझको मौका मिलता रहे, इस बात की कामना भी व्यक्त करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।